अच्छा ऐसा है कि जिस भी घर में बच्चे होते हैं एक राइम है बेबी शक डू 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 बेबी शक डू 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 वहाँ पे ये सब चल रहा होता है और जबरदस्त तरीके से चल रहा होता है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया पहले मुझसे आप ये पूछो। हाँ, क्यों? क्योंकि गाना सुबह सुबह नहीं जनाब, एक गाना है जो इसी थीम से रिलेटेड या फिर इससे मिलता जुलता है, जो कि बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पर तनकीद की जो है नजरों में आया हुआ है, तनकीद की जद में आया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जी पूरा एक जो राइम है वो कॉपी हो गई है। और ये गाना गाया है मारूफ गुलूकार अबरारुल हक साहब ने। इससे पहले भी उनका एक गाना आया था, उस पर भी काफी तनकीद हुई थी। अब ये जो गाना आया है वो गाना है क्या? सुन ले, वैसे उसी राइम पे बना हुआ है ये, बिल्कुल है ना, और इसीलिए तनकीद में। क्योंकि हमें याद है एक सरकारी तकरीब में उन्होंने कहा था कि आजकल माएं बच्चों को जो है वो मोबाइल फोन दे देती हैं और ये सुना देती हैं और कहती हैं कि अच्छा बच्चा खुश हो गया है, तो इसलिए शायद अबरार जो है वो तनकीद में। तो इसी पर बात करने के लिए अबरार ने हमें खुद ज्वाइन कर लिया। मारूफ गुलूकार और बहुत सारे इनके गाने ऐसे जो कि आज भी शादियों में बजते हैं और लोग जो हैं, लोग जो हैं उस पे वो एंजॉय करते हैं, मैं नजर आता है। अबरार बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है कि आपके अक्सर गाने ऐसे होते हैं जो मुतनाज़े हो जाते हैं? इस गाने से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर दिलचस्प सार्फीन फीन जो हैं, सार्फीन दिलचस्प रद्द अमल देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो सार्फीन का रद्द अमल है उनकी तनकीद है या फिर तारीफ है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए गाना एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं मुआशरे के, और मेरा गाना तो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होता है अक्सर, और जो भी मैंने कोशिश की आपके सामने, और ये कहाँ नहीं होता मुझे बताएं, यहाँ तो कहें कि हमारे मुआशरे में नहीं होता, शकूक व शुबहात नहीं होते, वो भी होते हैं। अच्छा अबरार भाई, ये बताइएगा कि ये जो गाना है इसके पीछे आइडिया था क्या, ये थीम क्या वाकई जो बेबी शार्क राइम है बच्चों की उसी से ली गई है? थीम तो बिल्कुल वहीं से ली गई। हम एक टीवी के शो में बैठे थे और किसी दोस्त ने कहा ये शक डू डू डिस्कस हो रहा था, तो उसने कहा इसके ऊपर कोई गाना बना दें, तो मैंने कहा शक डू डू पे क्या शक, अब शक पंजाबी में उर्दू में हम शक को डाउट करने उसको कहते हैं, तो बेगम शक डू 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 बड़ा आसान था, तो उसी से मेरे जहन में ये आइडिया आ गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं था, और जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए गाना बना। सही। अच्छा अबरार, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो तारीफ भी कर रहे हैं, इस गाने को सराह भी रहे और कह रहे हैं कि ये गाना सुनकर मूड थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है। तो जब मूड अच्छा होता है और ये कहते हैं कि लोग हम अच्छा इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? यही मेरा मकसद है गाना बनाने का, क्योंकि इतना डिप्रेशन होता है हमारे माशरे में, हर वक्त कोई ना कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं लोगों की, तो उसको थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए एक ऐसा म्यूज़िक हो जो एंटरटेन करे बुनियादी तौर पर इंसान, और ये वो बातें हैं जो हमारे हर घर की कहानियाँ होती हैं, और उनको ज़रा एक शुगल वाले पहराए में बयान कर देना, और ये अल्टीमेटली मेरा मकसद है कि लोगों को कुछ तफरीह मिल जाए किसी, और फिर कोरोना के ऐसे दिनों से हम गुजरे हैं कि सिनेमाज़ बहुत अरसा तक बंद थे, एंटरटेनमेंट इतनी नहीं थी, तो उस आइडिया को एक मैंने लाया, और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से लोग इससे खुश हो रहे हैं और जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में अच्छे कमेंट्स ले लेना लोगों का ये बड़ी खुशकिस्मती है, और मैं उनका ममनून हूँ अपने फैंस का और जिन लोगों को ये पसंद आए। ठीक। अच्छा मेन इसकी जो इसका जो टाइटल है वो तो आपने उस राइम से ले लिया, लेकिन आपने एक तरह से एक पूरी स्टोरी बना दी है, बड़ा एक फ़नी और मज़ेदार किस्म की एक स्टोरी है पूरा ये गाना आपका। अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए अपना ये गाना गुनगुना भी दें ज़रा। बढ़ के फोन पकड़ लेती है, सारे मैसेज पढ़ लेती है, मिस कॉलें चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, छोटे ड्रोन भेज देती है, तस्वीरें भी ले लेती है, लोकेशन चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू 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 डू, बेगम शक्कर डू डू डू, बेगम शक्करती है शक्कर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये जितनी बेगमा शक करके ना वही तनकीद करी होंगी आपके गाने पे। अच्छा जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, म्यूजिक बनाने और सुनने वालों की चॉइस भी हम देख रहे हैं कि तब्दील होती नजर आ रही है। मौजूदा दौर में आपके मुताबिक किस तर्ज के गाने पसंद किए जाते हैं, किस तर्ज के बनने चाहिए? मैं समझता हूँ चेंज को पसंद किया जाता है, और योनरास वही रहते हैं
भंगड़े में भी नए गाने आ सकते हैं, स्लो सॉन्ग्स में भी। ईसा खेलवी साहब का एक स्टाइल था उसमें, और रोने धोने वाले गानों का म्यूज़िक, उस टाइप के फनकार आ जाते हैं। फिर कुछ मेलोडी ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ रॉक म्यूज़िक जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सामने आएगा, वो उस तरह से अभी नहीं आया है। सो ये बदलता रहता है, मुस्तकिल चेंज जो है उसको, जिस तरह फैशन बदलता है पहनावे के हवाले से, इसी तरह से गाने के हवाले से भी चीज़ें बदलती रहती हैं। अच्छा, चेंज के हवाले से आपने बात की, तो हमने हमेशा से देखा कि आपके जो ज़्यादातर गाने हैं, चाहे वो बिल्लो हो, नच मजाजन हो, पंजाब का जो कल्चर है वो बड़ा नुमाया उसमें नज़र आता था, उसकी एक झलक नज़र आती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मिसिंग है, इसकी क्या वजह है? थोड़ी सी चेंज मैंने भी देने की कोशिश की। अच्छा। है और उसमें ठेठ पंजाबी थोड़ी सी मैंने कम की है, और वो डेलिबरेटली नहीं की, वो किसी भी वक्त इस तरह का एक गाना आ जाएगा मेरे जहन में और मैं बिल्कुल लिख दूंगा। सही। बस ये कि ज़रा टाइम के साथ कुछ चीज़ें, कुछ म्यूज़िक, कुछ साउंड्स वो चेंज होते हैं, और ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। इनफैक्ट इसमें कोई एक ख़ास जॉनरे में से भी, किसी एक ख़ास जॉनरे से कोई एक चीज़ निकल सकती है। इसमें ये भी नहीं कहना ज़रूरी कि, ये भी नहीं होता कि किसी एक ख़ास सिंगर के ही हिट होते होंगे गाने। अभी हमने पिछले, अगर जो ट्रेंड आपने देखा तो बिल्कुल जिनके गाने बहुत हिट हो रहे थे इस वक्त ज़रा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो इस तरह ये ऊपर नीचे ये चलता रहता है, जो भी एक क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो सही। अच्छा अब्रार, हम चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तुमने वो सुन लिया गाना, लेकिन एक और बड़ा फेवरेट गाना जो कि पंजाब में भी बड़ा मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, और आज भी जब लोग सुनते हैं तो उसे इंजॉय करते हैं। आपका कौन सा फेवरेट गाना है? यही जो मैं सुनने के लिए कहने लगा। कौन सा गाना है? जट चढ़े या कचहरी, अगर आप सुना दें। ओ जट चढ़े अख चहरी, बल्ले भी बल्ले, ओदी रंगली मतहरी, बल्ले भी बल्ले, ओ जट खड़का वाला आया, भाई सदयार भी नाल ले आया, कूरी पके मुछा मटके थानेदार पजाया, आप करे थानेदारी, बल्ले भी बल्ले, ओ जट चढ़े अख चहरी, बल्ले भी बल्ले। अब ये पूरा योनरा जो था ना, जट और वो थोड़ा सा झगड़ा और वो, वो सारा इंडिया के उस तरफ चला गया है, और उनका जो भी गाना उठा के आप देखें, आप उसको एक आपको टच मिलेगा कि बड़े मोड़े ने ट्रालियां चपा के जट ना क्लैश कर दे, यू नो, इस टाइप की बेशुमार चीज़ें जो है वो वहाँ से जो आ रही हैं। अब ये पूरा एक योनरा है, इसमें कोई भी अच्छा गाना लिखेगा तो वो जो है वो हिट होगा। सो इसलिए ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी, बाकी योनरा से कोई इतना डिपेंड नहीं इस पर करता। ठीक है अब्रार, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए।